सेरू गन्ना का भरपूर मजा लेते हुए सेरू को गन्ना बहुत पसंद है। अब सेरू जबरदस्ती देखो अच्छा है, अभी सेरू के पास है ये गन्ना, गन्ना खाएगा भाई तो खा रहे हैं यार। सेरू हमारे मित्र के साथ बैठे हैं बड़े प्यार से और गन्ना का मजा ले रहे हैं। ये शेरू चार पाई पे बैठ गए हैं बहुत मजे के साथ, हमारे तरह बैठे पड़े जैसे हम लोग आराम से बैठते हैं। और गन्ने का रस का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, मीठा मीठा रस, ताजा ताजा रस। ये छीलने का तरीका बिल्कुल हमारी जैसे, हमारी तरह एकदम। शेरू अरे भाई दाएं बाएं का देख रहे हैं भाई, गन्ने का मजा लियो। अब हो सकता है इस गन्ने पे कब्जा ना जमा ले। शेरू के सामने एक गन्ना दिख रहा, शेरू की निगाह जो गन्ने के फार्म पे है, गन्ने के फार्म पे। शेरू कह रहा है इसमें नहीं होना कुछ, गन्ने के फार्म पे हाँ। गन्ना चूसेंगे आगे जी, कह रहा है इसमें नहीं होगा कुछ भी ना। शेरू को एक गन्ना दे दो भाई में बहुत खुश हो जाते हैं, शेरू एक गन्ने में ही खुश हो जाते हैं। और खोई आराम से चार पाई भी डालोगे भाई, और 300-400 बंदरों पे जब छोड़ो ना हो भाई, बंदरों की चक्री कटा काटती है कर ली अभी, बंदर भागे एकदम उतर उतर के पेड़ पे, ऐसा शेरू ने मारी छलांग इधर से उधर, अब भगा दे सब बंदर एकदम। शेरू गन्ना ले लो, ले लो गन्ना ले लो, ए शेरू ए दोस्त लो गन्ना, गन्ना ले लो, तो वैसा है दो बार बंदर हो ना परेशान कर दो आज। परेशान होकर आखिर इन्हें लानी पड़ो, मैंने कि आज छोड़ ही दूंगा ले जाकर, और जैसे ही पीपल के पेड़ पर छोड़ो ना बंदर इन्ना मारी छलांग उनके ऊपर, दो तीन बंदर तो आए ना डरान, अब आगे बाद में इन्ना मारी छलांग एक के ऊपर और फिर गिरने दो ऊपर से लदर पदर लदर पर एकदम, अब भागने दो एकदम गायब सुनसान। और फिर जे बैठे पर पेड़ की चुटिया पे फिर इन्हें दो तीन चील अंदर और सामने देखो लील गाय अचानक आती हुई और कुत्ते एकदम अटैक, अचानक लील गाय आ गई है खेत में और कुत्ते पीछे पड़ गए हैं उसके, और शेरू भी डर गया। घोड़ा हो रहा घोड़ा, और शेरू को अचानक डर गए शेरू लील गाय से, शेरू को डर लग गया एकदम नील गाय से, लील गाय आएगी निकल के। तो
और शेरू बार बार उसी को देख रहे हैं, ये कौन सी आफत है, ये मुझसे ही बड़ा जानवर कौन आ गया मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक फुर्तीला जानवर कौन आया निकल के एकदम सरसों के बीच। शेरू डरते हुए, शेरू की हालत खराब नीलगाय को देख के मुझसे ही बड़ी आफत कौन आ गई है। बोले बंदरों के लिए तो मैं तो हूँ आफत सबसे बड़ी, और ये मेरे लिए कौन सी आफत आई निकल के। शेरू डर गए, अब शांत होकर गन्ना खा रहे हैं शेरू दोबारा। शेरू लो,